और भरतपुर से आ रही बड़ी खबर की बात करते हैं। एसीबी की टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। 30,000 रुपए रिश्वत लेते मुख्य डाक घर का सहायक अधीक्षक ट्रैप हुआ है। कार्रवाई से मुख्य डाक घर में हड़कंप मचा है। तो 30,000 की रिश्वत लेते मुख्य डाकघर में हड़कंप मचा है इस कार्रवाई से। और क्योंकि डाककर्मी दरअसल रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़ गया। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, और क्या कुछ जानकारी, कैसे इनपुट्स मिले, कैसे कार्रवाई की गई? पूर्णचंद वर्मा सहायक अधीक्षक है सब डिवीजन मुख्य डाकघर भरतपुर में, इनको ट्रैप किया गया। इनसे 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इनको ट्रैप किया गया। करतार सिंह कटारा जो नौ बछामदी के रहने वाले हैं और डाकघर में ही ओवरसियर हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत की थी एसीबी को और एसीबी ने इस रेड को कंडक्ट किया और उसके बाद में आज उन्हें 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। एडिशनल एसीबी महेश मीणा के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई जारी है। जी, क्या कुछ पुराने मामले भी खुले? देखिए, जिस जो प्रवादी है वो उसके साथ ही जूनियर अधिकारी है जिसका जिसको ट्रैप कराया गया है, जो आरोपी है उसका जूनियर अधिकारी है, उसी ने उसकी शिकायत की है कि लगातार इस तरह के जो बिलों को पास करने की एवज में वो उससे अपने जूनियर अधिकारी से रिश्वत की मांग करता था और इस तरह की लगातार शिकायतें मिल रही। फिर उसके बाद में एसीबी ने पूरी जानकारी को जब कंफर्म किया और जब शिकायत को पुष्टि हो गई तो उसके बाद में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है भरतपुर में, जहां पर डाक विभाग में सहायक अधीक्षक को ट्रैप किया है एसीबी की टीम ने। और आप देखिए कि कैसे रिश्वत की रकम के साथ में इसको पकड़ा गया है और जूनियर जो इनका है उसकी ही तरफ से शिकायत की गई थी इस तरह के गतिविधियों की। और पहले तो सत्यापन किया एसीबी की टीम ने इस पूरे मामले का, जो इनपुट्स मिल रहे थे उसके आधार पर। उसके बाद जैसे ही ये बात स्पष्ट हो गई, कार्रवाई को अंजाम दिया गया।